पूरा देश गणेश चतुर्थी मना रहा है। इस पर्व के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। बंगाल विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के सामने भाजपा ने दिया प्रियंका टिबरीवाल को मौका। कोरोना ने बिगाड़ी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल बंद होने से 80% बच्चों के सीखने पर पड़ा असर। यूपी के 33 जिले हुए कोरोना मुक्त, राज्य में पिछले 24 घंटे में केवल 11 नए केस और 0 मौतें दर्ज। मुंबई वसूली कांड को लेकर कोर्ट ने अनिल देशमुख के वकील की जमानत याचिका को किया खारिज, सीबीआई से मांगा जवाब। यूपी विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को नहीं मिलेगा टिकट, मायावती बोली पार्टी में माफिया और बाहुबली की कोई जगह नहीं। मगध एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे किशोर किशोरी जीआरपी ने उतारे रंग लाई पूर्व मेयर शकुंतला भारती की मेहनत। बेकाबू हो रहा डेंगू का डंक, मरीजों का आंकड़ा 50 के पार, लैब में बड़ा जांच का लोड। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट 100% किसानों के पक्ष में, जल्द हो सकता है समाधान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।